अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, और आप सब खैरियत से हैं? हम भी खैरियत से हैं। मैं हूँ इरम नईम, और आज जो है मौसम कुछ ऐसा हो रहा है, बादल से हो रहे हैं। बच्चे जो है स्कूल जाने की तैयारी में हैं, स्कूल जाएंगे। और क्योंकि आज है वेडनेसडे, तो आज है वाइट ड्रेस, और अब हम करने जा रहे हैं इस पर प्रेस। बच्चे भी उठ रहे हैं, फ्रेश हो रहे हैं। इतने बच्चे उठते हैं, फ्रेश होते हैं, तो तब तक हम इनकी ड्रेस पर प्रेस करते हैं। तो हम चलते हैं मध्यान्ह का टिफिन बनाने स्कूल के लिए। मौसम हो रहा है बहुत अच्छा सा, बारिश का सा हो रहा है, लेकिन सुबह सुबह ये कपड़े धुले रखे हैं जो पहनने हैं। तो फ्रेंड्स, आज जो है बच्चों को टिफिन में मैं कुछ नहीं दे पा रही हूँ, बस अचार और परांठा दे रही हूँ। एक एक परांठा ही लेते हैं ये दोनों, तो दोनों का मैं एक एक परांठा सेक रही हूँ। यहाँ तो इस चक्कर में थे आज भी, मैं दिया दोनों ही कि शायद आज भी छुट्टी हो जाए। दरअसल बच्चों की छुट्टी हो जाती है ना इस तरीके से, तो बच्चे हो जाते हैं कि बस अब रोज़ ही छुट्टी आ जाए हमारी की। सबसे पहले उठते ही पहला काम ये किया कि पहले मोबाइल का व्हाट्सएप चेक किया कि हमारी मैडम का तो कोई मैसेज नहीं आया। ऐसे हो रहे हैं बच्चे। तो बच्चों का जो है लंच तैयार हो गया है, और मैं जो हूँ बच्चों के ना, अब बच्चे के हाथ में ही देती हूँ, जिससे ये लेट ना मतलब रखना ना भूल जाए, क्योंकि इन्होंने पहले भी रखना भूल गए थे। टेंशन हो जाती है, छोड़ जाते हैं यहीं पर। अयान जो है रेडी हो गए हैं, शूज़ पहनने हैं। मदिया भी बस रेडी हो गई, मदिया जा रही हैं, और उनका बैग नीचे रखा है। ठीक है बेटे, वालेकुम सलाम। मैं जो हूँ ये कपड़े फैला रही हूँ जो मैंने धोए थे, बस बारिश रहा हूँ। कपड़े तो मैंने फैला दिए हैं, और कुछ रह गए हैं वो फैला रही हूँ। अयान भी रेडी हैं, अयान भी जा रहे हैं। वालेकुम सलाम, अल्लाह हाफिज़। दोनों बच्चे स्कूल चले गए हैं, अब मैं ये कपड़े फैला देती हूँ फटाफट। तो मेरे जो हैं सारे कपड़े फैल गए हैं, और बाज़ार में जो है अभी बहुत सुकून सा है। शॉप वगैरह अभी तो खुद कुछ खुली हैं, कुछ नहीं खुली हैं। रिक्शा वगैरह खड़ी हुई हैं, क्योंकि सुबह सुबह ज़्यादा रहता है, बच्चे वगैरह स्कूल जाते हैं तो यहीं पर रिक्शे वाले खड़े हो जाते हैं। मैंने कपड़े फैला तो दिए, लेकिन बस बारिश ना आ जाए। ये जो चादरें मैंने कल फैलाई थी, ये भी नहीं सूखी हैं, बस हल्की सी इन कपड़ों में हवा निकल जाए, उसके बाद मैं ये फैला दूँगी। मदिया यहाँ चले गए हैं स्कूल, और पंखा भी खुला है। आयान और वो सॉरी अजीम और अब्दुल्ला सो रहे हैं अभी, बालकनी में भी देखते हैं क्या हो रहा है। बरसात की वजह से जो है दरवाजे बहुत टाइट चल रहे हैं। अभी तो बालकनी में भी काफ़ी सुमसाम है, सड़क पर बस जो बच्चे स्कूल जाने हैं वो स्कूल जा रहे हैं, वरना तो कोई नहीं है। तो फ्रेंड्स, मदिया यान तो चले गए थे स्कूल, और अब जो है हमारा मुन्ना उठ गया है। अब्दुल्ला उठ गया मुन्ने, बस ये निकाल दो, चलो उठ जाओ बस। नहीं उठ रहा। अजीम भी उठ गए हैं, मैंने इन्हें पानी दे दिया है, इन्होंने पानी भी पी लिया है। और जो है मैंने कल ये स्लीपर मंगाए थे अपने लिए, मुझे अच्छे लग रहे थे, क्योंकि मेरे ना स्लिप हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो मैंने ये वाले अपने लिए मंगाए। और अयान भी लाया है अपने लिए, तो अभी ये मैंने पहने नहीं है, पहनूंगी खैर। और अयान जो लाए हैं वो अपने लिए ये वाले स्लीपर लाए हैं, उन्हें ये वाले अच्छे लग रहे थे,
खूबसूरत तो यही लग रहा है, लेकिन बस मुझे जो मेरे पैर में फिट हो रहे हैं वो वही वाले हो रहे हैं, और अयान के पैर में वो फिट हो रहे हैं। कपड़े हमने फैला ही दिए थे, लेकिन अम्मी जो हैं समरसेबल चलाया होगा अम्मी ने, पानी गीले हो गए हैं कपड़े ऊपर से जो है पता नहीं चला पानी का, और गीले हो गए ऐसे ही। कल हमारी चादरें गीली हो गई थी, सूख तो गई थी वो, लेकिन ऊपर से जैसे ही पानी गिरा तो वो चादरें फिर से गीली हो गई और ये कपड़े भी गीले हो गए। तो अब थोड़ा टाइम लगेगा, खैर अब धूप निकलेगी ये सब सूख जाएंगे, ऐसा कोई इसकी बात नहीं है। और ये चादरें भी हम फैला देंगे, सूख जाएंगे, अभी तो मम्मी के भी कपड़े बाकी हैं सुखाने से। और अब जो है बस हम जो है उठ गए हैं, अजीम नाश्ता बनाने जा रही हूँ। इतने ये नहाते हैं, तैयार होते हैं, फ्रेश होएं, और मैं इनका नाश्ता वगैरह बनाती हूँ। तो अब्दुल्ला जो है वो उठ गए हैं और अब वो कर रहे हैं अपना ब्रश। चलो मैं लगा कर देती हूँ धोकर। जल्दी करो, चलो ब्रश इधर आके आ जाओ, आगे आ जाओ मुन्ने, अब ब्रश करो जल्दी से। शाबाश, वेरी गुड। अब जो है अब्दुल्ला का हमने मुंह भी धुलवा दिया और टीथ भी साफ कर दिया। दिखाओ टीथ, दिखाओ अपने टीथ, दिखाओ टीथ। हाँ बिल्कुल साफ हो गए मेरे मुन्ने के, वेरी गुड। चलो अब हम नीचे चलते हैं नाश्ता बनाने, चले बाय कर दो। नहीं क्यों, तो क्या लेंगे आप, क्या लेंगे आप मुझे बताओ। बाय बाय। तो यहाँ पर जो है अजीम तैयारी कर रहे हैं, ये जा रहे हैं देहरादून घूमने, तो इन्होंने अपने कपड़े वगैरह जो है निकाल लिए हैं, और अभी बस फ्रेश होकर नाश्ता कर और नहा धोकर तैयार होकर जा रहे हैं देहरादून। हम आ गए हैं किचन में, और किचन में जो है सबका नाश्ता निमट चुका है, आज हम हो गए हैं लेट। और हमारी अनम ने भी किचन आज साफ कर दी है बिल्कुल, थोड़ी बहुत रह गई है क्योंकि वो अब हम नाश्ता करेंगे तो उसके हो जाएंगे बर्तन, वो हम कर देंगे। तो चलिए मिलते हैं, अब पहले चाय वगैरह बनाती हूँ मैं, अपना नाश्ता बनाती हूँ, मिलते हैं थोड़ी देर बाद, क्योंकि अब्दुल्ला मांग रहे हैं। क्या मांग रहे हो? आइन। तो अब्दुल्ला जो है फिर लाए हैं फ्रूटी, और फ्रूटी पी रहे हैं अब्दुल्ला। मुन्ने आप इतनी को फ्रूटी पीते हैं? फ्रेंड्स हमारा नाश्ता जो है वो निमट गया है, और आज बनाने जा रहे हैं हम चने की दाल की खिचड़ी। तो मैंने जो है दाल और चावल दोनों भिगो दिए हैं, बस थोड़ी देर और भीगे रहने देती हूँ और फिर मैं इन्हें बनाना स्टार्ट करूँगी। पहले मैं यहाँ की जो है पूरी क्लीनिंग कर लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं खिचड़ी चढ़ा दूँगी। ये अब्दुल्ला जो है ये देखो, ये इतने से ही इस कदर वैरायटी बेहतरीन घुमा रहे हैं। अब्दुल्ला ये आपने कहाँ से सीखा मुन्ने? ये अखाड़ों का जुनून अभी तक नहीं उतर रहा अब्दुल्ला का, आंखें बंद कर करके चला रहे हैं। तो फ्रेंड्स मैंने ये सारा सामान निकाल लिया है, और अब मैं बनाने जा रही हूँ चने की दाल की खिचड़ी, और इसे कहते हैं चने की दाल की बिरयानी भी कह देते हैं। तो ये लहसुन अदरक हमारा पिसा हुआ ही है। तो अब मैं जो हूँ चढ़ाने जा रही हूँ, और इसकी रेसिपी मैं दूंगी शॉर्ट्स। तो अब अयान भी स्कूल से आ गए हैं, और अब्दुल्ला के हाथ से ब्रेटी लेकर बस अब ये भी घुमाने लग गए, दोनों ही पागल हो चुके हैं बच्चे ये। जाओ बेटा स्कूल से बस ड्रेस उतारो फटाफट। और ये अब्दुल्ला, अल्लाह अब्दुल्ला क्या कर रहे हैं मुन्ना अभी यहाँ पर? क्या वो ढोल बजाएंगे? लो बस बस हो गया, बस चलो ड्रेस उतारो अब। तो फ्रेंड्स खाना वगैरह हमारा हो गया है, लंच वगैरह, बच्चे स्कूल से आ गए थे, उन्होंने खाना खा लिया है, और खाना खाकर अब थककर दोनों सो गए हैं। अब्दुल्ला तो अभी दंगे में ही है, अयान मदिहा आज दोनों सो गए हैं। और बात ये भी है कुछ कि आज हमारे वाईफाई का जो है ना रिचार्ज ख़त्म हो गया है, वरना ये सोते नहीं टीवी देखते। अब जब टीवी नहीं है तो अब ये दोनों आराम में हैं, सो गए हैं। अब्दुल्ला जो है अभी लेटे हैं मोबाइल के इंतज़ार में कि मम्मी बस ये कर लें और मैं मोबाइल ले लूँ। मोबाइल लेंगे आप? लेंगे
प्लीज कैसे करते हो? हाथ जोड़कर कहता है प्लीज मोबाइल दे दो। आज जो है मौसम जो हो रहा है वो धूप का हो रहा है और हमारे कपड़े भी जो फैल रहे थे बस वो सूख ही गए हैं, कुछ कपड़े सूख गए हैं। और ये बच्चे जो हैं छोटे छोटे, ये अभी पतंग उड़ा रहे हैं। यहाँ पर पतंग का बहुत ज़्यादा क्रेज़ है, बच्चे बहुत ज़्यादा पतंग वगैरह उड़ाते हैं स्कूल वगैरह से, जैसे फारिग होकर ट्यूशंस वगैरह से। हमारे बच्चे तो नहीं उड़ाते खैर, लेकिन यहाँ हमारे जो मोहल्ले के बच्चे हैं उड़ाते हैं। और मदीहा, अब्दुल्ला, अयान तीनों ही अभी सो रहे हैं। मुझे नींद नहीं आ रही थी, मैं बैठी हुई हूँ। तो फ्रेंड्स, अजीम तो गए हुए हैं देहरादून और अब हमारे जो है चाय बस शाम की मैंने बना ली है। बच्चे सो रहे थे, अब मैं बच्चों को उठा दिया है वैसे तो, अब उठ जाएंगे और अब हम चाय पीते हैं, टी टाइम। तो फ्रेंड्स, अब्दुल्ला जो है वो उठ गए हैं और उन्होंने बचा रखा है बवाल और सारी चीज़ें जो हैं ये ड्रॉ खोल ली है और बाहर निकाल रहे हैं। अब ये लेट गया बस। अयान तो उठ नहीं रहे, चाय पी इन्होंने और फिर सो गए। मदीहा बच्ची उठ गई है और ये जो है स्कूल का काम कर रही है, पढ़ रही है। और अब्दुल्ला यहाँ आओ बेटा। अब्दुल्ला बहुत नौटंकी है हमारा। तो फ्रेंड्स, मदीहा यहाँ पर जो है नई कॉपी लाई है तो अपना नाम लिख रही है और इससे हाईलाइट कर रही है, हाईलाइट करके दिखाएगी। ठीक से करो, इसके ना ऊपर से ही तो चलाते हैं। बच्चों को नई नई चीज़ें मिलती हैं ना तो बस ऐसे ही रहते हैं। थोड़ा सा ऊपर से, हाँ इस तरीके से हाईलाइट कर दो इसका। अब्दुल्ला खुश है, अब्दुल्ला सोच रहा है कुछ नया काम है और मुझे भी करना चाहिए। मैं भी करूँगा, घर आप भी, मैं भी करूँगा। तो फ्रेंड्स, ये कुछ कपड़े जो मैंने धोए थे ये सूख गए हैं, ये रखे हैं। कुछ जो नहीं सूखे थे वो ये रखे हैं, मतलब थोड़ा नमी है इनमें। कुछ अम्मी के सूख गए हैं वो ये रखे हैं। आज तो हमारे घर में कपड़े ही कपड़े हो रहे हैं और अब मौसम कुछ ऐसा हो रहा है। और जो है यहाँ पर बच्चों ने बहुत फैला रखा है। मदीहा पढ़ाई कर रही है, अब्दुल्ला तो बस इसमें ही है, खेलने में व्यस्त हैं। और अयान सो ही रहे हैं अभी, हम अपनी बालकनी में आ गए हैं तो बालकनी में भी कुछ ऐसे ही हो रहा है और सब अपनी यहाँ पर छतों पर बैठकर एंजॉय कर रहे हैं। गली में भी आज काफी चहल पहल है। मैं यहाँ आई हूँ, कुछ कपड़े यहाँ पर फैल रहे हैं तो इन्हें उतारने। और ये हमारे बाजार का है, पूरे बाजार में भी चहल पहल हो रही है। हमारे पीछे जगह पड़ी हुई है तो थोड़ा सा यहाँ पे हरियाली हरियाली हो रही है। अब्दुल्ला भी आ गए। अब्दुल्ला आपने स्लीपर क्यों नहीं पहने बेटा? अयान, मदीहा जल्दी उठो बेटे, जल्दी ट्यूशन को लेट हो रहा है। अयान 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 को सुनाई नहीं आ रही? उठो, चलो ट्यूशन का टाइम है, जल्दी उठो, सारा दिन हो गया सोते सोते। उठो, पैरों में दर्द हो रहा ना, आराम आराम से जाना, चलो उठो। नहीं, जल्दी उठो, ड्रामा नहीं करो बिल्कुल भी, उठो, चलो उठो। आप क्या कर रहे हैं? सो रहा हूँ, चलो मैं ये बेडशीट ठीक करूंगी जल्दी से। ये सब तो मैंने कर दिया यहाँ से, अब्दुल्ला ने बहुत फैलावा कर रखा था। ये जो है ना बच्चा, जिस चीज में घुसता है वो सब फैला देता है, बाहर निकाल देता है सामान सारा। उठो बेटा, उठो भाई मुन्ने, अभी मैं चांद मामा को फोन करूं। उठो,
जल्दी पढ़ने जाना है ट्यूशन, जल्दी। शाबाश मदी, आप भी रेडी हो जाओ, एक बैग बैग हटाओ, मैं जल्दी यहाँ से बेडशीट ठीक करूँ। अब्दुल्ला आप भी उठो, आप टूला उठ जाओ, मुन्ने उठ जाओ, शाबाश उठो फटाफट, ट्यूशन को लेट हो रहा। चलो तो मदिया यान जो हो गए हैं रेडी, अब जा रहे हैं ट्यूशन। आ जाओ अब्दुल्ला बेटा, आप भी आ जाओ, चलो मुन्ने। और अब जो है शाम के खाने की तैयारी करते हैं, बस अब हम जाकर। आज अब्दुल्ला भी ट्यूशन जा रहे हैं, बेटे ट्यूशन नहीं जाते, आओ ले जाओ इसको भी साथ ही, कोई बात। अब्दुल्ला जो है रो रहे हैं क्योंकि इन्हें भी जाना है ट्यूशन, बच्चे चले गए हैं ट्यूशन। अब्दुल्ला अब्दुल्ला, तो ये आए हैं हमारे मामा, और मामा आप ठीक हैं? कुछ कहना चाहते हैं? अपना चैनल बता दीजिए। और मैंने भी एक YouTube पर न्यू चैनल बनाया है मिर्ज़ा मुस्तकीम बेग के नाम से, लिंक आपको दे देंगे, लिंक मैं शेयर कर दूंगी, खुश रहो। और आप इनका जो है चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे साथ भी, और सपोर्ट कीजिएगा। तो फ्रेंड्स आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन, तो हम आपसे शेयर करेंगे चिकन की रेसिपी। तो पहले तो हम ये चिकन में जो है ये लगा लेंगे कट, बस रुक जा, रुको बोलो, बस ये डाला है चाट मसाला, थोड़ा सा लहसुन अदरक का पेस्ट, थोड़ा सा गरम मसाला और नींबू का रस। फूड कलर, और अब हम इन सबको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद अब हम इन सबको लगा देंगे, इसको लगा देंगे हम फ्रिज में, इतने हम इसकी ग्रेवी तैयार करेंगे, ठीक है। मदियान भी आ गए हैं ट्यूशन से। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने दो बड़ी प्याज और एक टमाटर जो है काट लिया है, अब जो है मैं इसको इसमें थोड़ा सा सौटे कर लूँगी, फिर उसके बाद मैं इसको पीसूँगी, और थोड़े से काजू और बादाम भी। तो अब जो है मैं ये सब इसमें सौटे करूँगी। तो फ्रेंड्स अब मैंने ये जो है प्याज इसमें डाल देती हूँ, अब मुझे ज़्यादा नहीं करनी है, बस गोल्डन करनी है ये। तो जो है अभी मेरी प्याज इस तरीके की हो गई है, अब जो है मैं इसमें ये सामान ऐड कर देती हूँ, क्योंकि हमें इन्हें भी साथ साथ सॉटे करना है, और फिर हम इसे पीस लेंगे इन सब चीज़ों को जितने ये सॉटे होते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा ये अभी हो ही रहा है, और आज जो है अम्मी है नहीं घर पर, अम्मी गई हुई हैं हॉस्पिटल, क्योंकि अजीम के जो कज़िन ब्रदर हैं बड़े मेरे हस्बैंड के, तो उनके बेटा हुआ है उनकी वाइफ के, तो वो वहाँ पर गई हुई हैं माशाल्लाह से, बहुत क्यूट बेबी हुआ है, और हम उसे भी देखने जाएंगे तो आपको भी दिखाएंगे। और आजकल जो सीज़न चल रहा है ना, वो बस ऐसे ही चल रहा है कि अब इसके हो रहा है अब इसको हो रहा है। मदीहा क्या कर रही लाडो? मोमोज लाई है मदीहा, खा लीजिए आप। तो फ्रेंड्स हमारा जो है ये अब तैयार हो गया है, अब मैं इसे निकाल कर पीसने जा रही हूँ। तो अब हमारा चिकन आ गया है, और अब हम इस चिकन को अपने भगोने में डालकर पका लेते हैं। तो मैंने जो है अपना चिकन इसमें डाल दिया है, और अब मैं इसे ढक देती हूँ, ये इसमें पकता रहेगा, और हम उसको पीस कर इतने इसके मसाला तैयार करते हैं। तो हमने ये जो है अपनी ग्लास में कर लिया है, और अब मैं इसे पीसने जा रही हूँ। तो फ्रेंड्स जो था वो मैंने ये पीस लिया है, और अब जो है
मेरा चिकन भी यहाँ पर अभी पक रहा है। अब मैं जो हूँ ग्रेवी की तैयारी करती हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है अब मैंने कढ़ाई रख दी है और अब मैं जो हूँ इसकी ग्रेवी बनाने जा रही हूँ। अब जो है मेरा जो ऑयल है वो गर्म हो गया है। मैं इसमें पहले लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर रही हूँ। लहसुन अदरक का पेस्ट जो है पहले थोड़ा सा जैसे सॉटे कर लो ना, तो फिर इसकी जो स्मेल है वो नहीं आती है। देखिएगा अब ये जो है ब्राउन सा हो गया है। अब इसमें जो है मैंने ये जो पेस्ट बनाया है अब मैं ये इसमें ऐड कर देती हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने ये जो पेस्ट है यहाँ मैंने ये ऐड कर दिया है, क्योंकि मुझे एक हाथ से जो है ना वीडियो बनानी पड़ रही है और एक हाथ से मैं ये चला रही हूँ, तो मुझे ये रख रख कर ही डालना पड़ रहा है सब सामान। थोड़ी देर में इसको भी सॉटे कर लेती हूँ और यहाँ पर जो है हमारा चिकन अभी पक ही रहा है, क्योंकि इसमें पानी है। ये जो पानी है ना ये सारा हमें इसमें खुशक करना है। इतने हम यहाँ पर इसकी ग्रेवी करते हैं और इतने हमारा वहाँ पर चिकन ठीक हो जाएगा। अब ये देखिएगा अभी ऐसी हो गई है। अब मैं इसमें मसाले ऐड करती हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है मैंने मसाले ऐड किए हैं। ये है चाट मसाला, थोड़ा सा नमक है, मिर्ची है पिसी हुई 2 चम्मच डाली है, 1 चम्मच नमक डाला है, 3 चम्मच धनिया पाउडर डाला है और 1 चम्मच आधा चम्मच मैंने डाला है हल्दी पाउडर। तो अब मैं इसको चला करके भूनूंगी। तो अब जो है ये मैंने सब मिक्स कर लिया है और अब ये मसाला जो है हमारा भुनेगा। तो ये मसाला भुनता है, हम देखते हैं कि हमारे चिकन की क्या हाल है। तो अभी हमारा चिकन हो ही रहा है, तो यहाँ पर हमारी ग्रेवी भी तैयार हो रही है भुनकर। तो अब मैं इसे ज़रा भूनती हूँ 2 मिनट और ये अच्छी तरीके से भुन जाएगी। तो हम इसे भुनने के लिए जैसे अगर इसमें ये करना है थोड़ा सा मैं इसमें पानी डालूंगी, बिल्कुल थोड़ा सा, और पानी डालने के बाद इसमें मैं इसको चला देती हूँ और फिर थोड़ा सा इसको ढक देती हूँ थोड़ी देर के लिए। इतने मेरे ये मसाले जो है ना ये हो जाएंगे, गढ़ जाएंगे। बेटा पानी देख लेना भगवान में। और अब जो है हम ये अपनी देखते हैं तो ये देखेगा इस पर जो है भुनकर आ रही है। अभी ये भुनेगी और अच्छी तरीके से। अभी हम इसमें और थोड़ा सा पानी ऐड करके इसे और भूनते हैं, क्योंकि नीचे जो है ना लग रही है हल्की सी, हल्का सा पानी डालेंगे इसमें और हम इसे अच्छी तरीके से भूनेंगे अभी, क्योंकि जितना मसाला भूनते हैं उतनी ही बढ़िया होता है। रेसिपी में जान जब भी आती है जब उसकी भुनाई होती है। तो ये हम इसे अच्छी तरीके से अभी हम इसे भूनेंगे और ये मैं ना ढक्कन इसलिए ढक रही हूँ बार बार क्योंकि छींटे आ रही हैं बहुत ज़्यादा। और यहाँ पर अभी हमारा ये चिकन हो ही रहा है। तो अभी जो है हमारा ये सारा काम हो ही रहा है, चल ही रहा है, भुन रहा है मसाला और यहाँ गल रहा है चिकन। और हमारे किचन के हालात जो हैं वो बहुत ज़्यादा बुरे हो रहे हैं अभी, लेकिन हम ये अभी ठीक करेंगे। ज़रा अभी हम इसमें लग रहे हैं, इसके बाद हम ये भी सब ठीक करेंगे। अभी रोटी भी बनाएंगे, अनम बार बार आ रही है भाभी रोटी बना लूँ भाभी रोटी। मैंने कहा बाबू अभी जो है हमारा गैस चूल्हा जो है फ्री नहीं है, जब फ्री हो जाएगा उसके बाद ही हम रोटियां बनाएंगे दोनों मिलकर। हम दोनों मिलकर ही अक्सर रोटियां बनाते हैं। और अयान भी हमारे पढ़ाई कर रहे थे और अयान ने भी आज बहुत प्यारा लिखा है। दिखाओ बेटा, रुको कैमरा अपना। तो यहाँ पर अयान अपनी राइटिंग दिखा रहे हैं, क्योंकि कल दिखाई थी हमने मदीहा की राइटिंग, आज अयान ने भी बहुत प्यारा लिखा हुआ है। वेल डन अयान, बहुत अच्छी बात है बेटा, ऐसे ही राइटिंग करो, मैडम भी आपकी खुश हो जाएगी। मदीहा अयान की मैडम हमेशा जो है कहती हैं कि अयान की राइटिंग पर फोकस कीजिए आप, अयान की जो राइटिंग है वो बहुत बुरी हो रही है। तो अयान भी जब से मैंने मदीहा की राइटिंग दिखाई है तो वो भी राइटिंग पर लग गए हैं कि मम्मी मैं भी अच्छी ही राइटिंग करूँगा अपनी। बहुत अच्छी बात है, बच्चे अपने अंदर सुधार करें, इससे अच्छी क्या बात है। तो भी हमारी जो है दोनों चीज़ें हो ही रही हैं।
तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारी जो ग्रेवी है वो लगभग हो गई है और चिकन की ये हाल है। अब जो है मैं ये जो ग्रेवी है इसको इसमें कन्वर्ट करूँगी, इसमें डाल दूँगी मतलब। अब जो है मैं ये ग्रेवी इसमें डाल देती हूँ क्योंकि बोटियों में भी टेस्ट आ जाएगा ग्रेवी का। और लगभग जो हमारा मतलब चिकन है वो गल गया है, बस थोड़ा सा रह गया है। इतने ये इसे डाल करके मैं पकाऊंगी ना तो बहुत अच्छा सा हो जाएगा। और अब जो है ये मैंने अच्छे तरीके से चला दिया है ये हमारी मतलब पीसेस पे। अभी जो मसाला है ये पीसेस पर लग जाएगा और थोड़ा सा ये गल भी जाएगा, तो मैं अब इसे ढक देती हूँ बनने के लिए। फ्रेंड्स हमारा जो ये चिकन है ये मैंने ढक दिया था, मैं बार बार जो है ना वीडियो रोक देती हूँ, कहीं आप ये सोचे कि अभी तो ढका था और अभी फिर से खोलने खड़ी हो गई हैं, तो ऐसा नहीं है। मैं थोड़ी थोड़ी देर वीडियो रोक देती हूँ और फिर बनाती हूँ। तो अभी ये हमारा बन रहा है तो इतना हम इसे बनने के लिए छोड़ देते हैं। और मैंने जो इसकी आँच है वो स्लो कर दी है, इतने मैं जो हूँ ये बर्तन वगैरह ये सब संगवा देती हूँ, इतने हमारा ये चिकन प्रॉपरली गल जाएगा। इतने मैं यहाँ का काम निपटाती हूँ, फिर हम बनाएंगे रोटियाँ। मुझे लग रही थी बहुत तेज़ प्यास, मदीहा लाई पानी और मदीहा से गिर गया स्लैब पर। मैं जो ये पानी साफ़ कर रही हूँ, मदीहा बेटा पानी पिला दो, मदीहा ने पिला दिया है स्लैब को ही पानी। चलिए कोई बात नहीं, ये भी हो जाएगा। और अभी हमारा चिकन पक ही रहा है और अभी ये बाकी है, अभी ये सब काम कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है हमारा चिकन लगभग रेडी हो रहा है और अब जो है हम इसमें अमूल क्रीम डालेंगे, फ्रेश क्रीम। बस ये बहुत हो जाएगी, अब मैं इसको मिक्स कर देती हूँ। तो हम जो है ये मिक्स कर देंगे, इसको चला देंगे, हम इसको चलाकर मिक्स कर इसको अब फिर से हम बंद कर देते हैं थोड़ी देर के लिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो मेरे बर्तन थे वो भी मेरे क्लीन हो चुके हैं और अब 110% मेरा जो चिकन है वो तैयार हो ही गया होगा। तो अभी अब मैं इसे चलाती हूँ ज़रा। तो फ्रेंड्स ये बिल्कुल वैसे रेडी है और थोड़ा सा इसका जो वो तार होता है ना जैसे ऑयल, वो आना ज़रा ऊपर का बाकी है। थोड़ा सा मैंने इसमें गरम मसाला जो है ऐड किया है और मैं इसमें थोड़ा सा जो है नींबू का भी रस डालूंगी बस। और मैं इसको चला देती हूँ, बस इसका तार आ जाए एक बार ऊपर। मेरा चिकन रेडी है, गल चुका है बहुत बेहतरीन। ये देखिए आप देख सकते हैं ये बिल्कुल गल गया है। अब इसकी बस ग्रेवी आ जाए, सॉरी तार आ जाए ऊपर ऑयल, तो ये बिल्कुल रेडी है। तो मैं इसे बस थोड़ा सा खुला छोड़ देती हूँ 2 मिनट के लिए, इसकी ग्रेवी ऊपर आ जाएगी, फिर हमारा चिकन बिल्कुल रेडी है। तो फ्रेंड्स आप ये देखिएगा मेरा जो चिकन है वो बिल्कुल रेडी हो गया है, इस पर जो है तार भी आ गया है। ये देख सकते हैं आप, ये बिल्कुल थिक बना है और बहुत बेहतरीन लग रहा है देखने में और खाने में भी टेस्टी है। मैंने थोड़ा सा टेस्ट किया है नमक मिर्च कैसा है इसका, तो बहुत टेस्टी है। और अब ये हमारा हो गया है रेडी। और यहाँ पर आप सोच रहे होंगे ये कुकर में क्या हो रहा है, तो ये कुकर में बन रही हैं अरबियाँ। हमको ऐसा है ना कि मेरी जो सासू मोम है, अम्मी है, उन्हें अरबियाँ इतनी पसंद है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि वो अरबी और भिंडी की इतनी शौकीन है कि बस यही चीज़ें वो जो सर्कल होता है ना यही घुमा देती हैं वो। तो उन्होंने कहा था, वो हॉस्पिटल से ही फ़ोन आया था कि मेरी अरबियाँ ज़रूर बना देना, तो वो इस कुकर में अरबियाँ बन रही हैं। हमारा चिकन बनकर हो गया है रेडी। अब जो है बस ये अरबियों में 2 सीटी आएगी, ये रेडी हो जाएंगी और मैं बना जा रही हूँ अब रोटियाँ। और असीम भी बस अब आते ही होंगे। क्या टाइम क्या हो रहा है पता नहीं, टाइम क्या हो रहा है, 9 बज रहे हैं। तो हमारा जो है चिकन रेडी हो गया है। आप नहीं आई तो आ जाओ, बताओ कुछ। मदिया कह रही है आज व्लॉग में नहीं आई, आप आई हो सोते हुए ही आई हो, सो ही रही थी आप। होता है ऐसा, हेजिटेशन हो जाती है, कोई बात नहीं सब निकल जाएगी। और तो हम बनाने जा रही हैं अब रोटियां,
ठीक है, तो फिर मिलते हैं डिनर के बाद। तो फ्रेंड्स हम नीचे से आए हैं अभी अभी सारा काम निपटा कर, और दूध भी आज हमने नीचे ही गर्म कर लिया था क्योंकि आज हम हो गए थे लेट। कुछ बर्तन पड़े हुए हैं जो अब हम वॉश कर लेंगे। कौन कह रहे हो मुन्ने, क्या है ये? नहीं आपके काट लेगी मुन्नो, कीड़ी है ये इतनी सारी, ये हमारे फर्श पर इतनी सारी कीड़े आ गई, कुछ गिर गया होगा। तो फ्रेंड्स तो हमारी मदिहा जो है ये बैठी है फिर से स्लैब पर, पहले तो मदिहा का मुंह आया था, फिर मदिहा के कान में दर्द होने लगा, और अब मदिहा को एहसास हो रहा है कि शायद उसको आई फ्लू हो रहा है क्योंकि आंखों में चुभन हो रही है उसकी। अब भी कान है दर्द, कान में भी तो मदिहा को कुछ ना कुछ होता रहता है, मेरी नाजुक परी है मेरी बेटी। ये बेटा सुनो तो सही, और जो है आज का जो व्लॉग है हम आज यहीं पर एंड करते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक प्लीज लाइक जरूर कीजिए करिएगा, और अगर हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन भी ऑन कर दीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।